हम आबे का जा प्रतिबंध का संबंध डिराइव कर रहे थे, जिसमें हमने समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो डिराइव की थी। समीकरण नंबर एक हमें कितनी प्राप्त हुई थी? समीकरण नंबर एक प्राप्त हुई थी वाई टू अपन वाई वन बराबर वी माइनस आर अपन यू माइनस आर। फिर हमने त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ए एन ए सी में जा प्रतिबंध लगाया और इसके बाद हमें समीकरण नंबर दो प्राप्त हुई। समीकरण नंबर दो में कितनी प्राप्त हुई थी? साइन थीटा वन अपन आर बराबर साइन आई अपन आर माइनस यू। अब हम त्रिभुज लेंगे, तीसरा त्रिभुज, त्रिभुज एन प्राइम ए सी, और इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे? जा नियम लगाएंगे, और जा नियम लगाने के बाद हमें समीकरण नंबर तीन प्राप्त होगी। इसमें हम लेंगे सबसे पहले एंगल थीटा टू। अब ये एंगल थीटा टू अपना नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से देखेंगे मुख्य अक्ष से, तो हम क्या जा रहे हैं? क्लॉक वाइज जा रहे हैं, और साइन कन्वेंशन में हम पढ़ चुके हैं कि क्लॉक वाइज एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो एंगल लेंगे साइन थीटा टू, और इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? ए सी। ठीक है, साइन थीटा टू माइनस थीटा टू अपन क्या जाएगा? ए सी। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एन प्राइम, त्रिभुज एन प्राइम और ए सी में जा नियम लगाने पर त्रिभुज एन प्राइम ए सी में जा नियम लगाने पर ठीक है, जा नियम लगाएंगे त्रिभुज में तो एंगल अपना कितना है? एंगल थीटा टू साइन माइनस थीटा टू, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए सी। ठीक है, तो लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा टू अपन कितना जाएगा? ए सी। और एंगल लेंगे दूसरा आर, जो होगा साइन आर, उसके सामने वाली भुजा कितनी होगी? एरी एन प्राइम सी। ठीक है, तो लिख देंगे या सी एन प्राइम भी है, तो साइन आर अपन क्या हो जाएगा? सी एन प्राइम बराबर साइन आर अपन सी एन प्राइम। इसको तो ये माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा टू अपॉन ए सी। जैसा कि हम जानते हैं ए सी अपनी क्या है? वक्र त्रिज्या जी आर, ये आ जाएगा आर। ठीक है, साइन आर का साइन आर, और ये सी एन प्राइम जो दूरी है वो पहले हम निकाल चुके हैं, ये सी एन प्राइम। कैसे निकालेंगे इसका अपमान? पी एन प्राइम में से पी सी को क्या करो? घटा दो। तो पी एन प्राइम क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, जो कि थी वी, और पी सी क्या है? आर। ठीक है, जो सी एन प्राइम दूरी है वो क्या प्राप्त होगी? सी एन प्राइम के लिए क्या करेंगे? पी एन प्राइम में से पी सी घटा देंगे। पी एन प्राइम दूरी कितनी है? वी। पी सी कितनी है? आर। तो ये दूरी मिलेगी वी माइनस आर। तो सी एन प्राइम का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? वी माइनस आर। तो ये दूरी मिलेगी हमको वी माइनस आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव साइन इधर ले जाऊंगा, तो ये प्लस का आर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आर है तो प्लस का आर हो जाएगा, और ये प्लस का भी है तो माइनस का भी। तो साइन थीटा टू आर साइन आर नेगेटिव से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का आर माइनस का भी। ये हो जाएगी समीकरण नंबर तीन। ठीक है, समीकरण नंबर तीन। अब हम क्या करेंगे? समीकरण दो में समीकरण तीन का भाग देंगे। समीकरण दो ये जी हमारे समीकरण दो, साइन थीटा वन अपन आर साइन आई अपन आर माइनस यू, ये समीकरण नंबर दो में इस समीकरण नंबर तीन का भाग देंगे। तो साइन थीटा वन अपन आर, ठीक है, साइन थीटा वन अपन आर अपन साइन थीटा टू अपन आर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग, समीकरण दो में समीकरण तीन का भाग देने पर। समीकरण दो में समीकरण तीन का भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे मेरा साइन थीटा वन अपॉन आर ठीक है, इसमें भाग देगा अपॉन साइन थीटा टू अपॉन आर आएगा, तो ये आर ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा टू नीचे आ जाएगा।
तो आ जाएगा डॉट r अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो जो का ये रहा साइन आई अपॉन r माइनस u, साइन आई अपॉन r माइनस u, ठीक है। इसमें भाग देंगे इसका साइन r अपॉन r माइनस v का, तो r माइनस u पूरा जाएगा, तो ये हो जाएगा डॉट r माइनस v अपॉन साइन r। ये r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन r, साइन आई अपॉन साइन r, r बाय r माइनस v अपॉन r माइनस u अपॉन r माइनस u, ये हो जाएगी समीकरण नंबर चार। समीकरण नंबर चार, अब समीकरण चार में हम इसका मान रखेंगे r माइनस v अपॉन r माइनस u, इसका मान कहां से रखेंगे, समीकरण नंबर एक से। देखो समीकरण नंबर एक अपनी क्या है, समीकरण नंबर एक ये रही v माइनस r है, ठीक है। तो ये रहा v माइनस r, u माइनस r, नेगेटिव r है और v और u पॉजिटिव, y टू अपन y वन, तो अपने पास क्या r माइनस v r माइनस u, तो ये नेगेटिव कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये प्लस का r माइनस का v, तो r माइनस v हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो r माइनस u हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव अपना क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो r माइनस v और r माइनस u का मान क्या हो जाएगा वाई टू अपन वाई वन, नेगेटिव से निकालने के बाद ये दोनों नेगेटिव कट जाएंगे, तो r माइनस v और r माइनस u का मान क्या हो जाएगा वाई टू अपन वाई वन। ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण चार में, समीकरण चार में अपन मान रखेंगे, ठीक है। कहाँ से, समीकरण नंबर एक से, समीकरण चार में, समीकरण चार में, समीकरण चार में, समीकरण एक से r माइनस वी आर माइनस यू का मान रखने पर, ठीक है। तो साइन थीटा वन अपॉन थीटा टू, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये मान हो जाएगा वाई टू अपॉन वाई वन, ये समीकरण हो जाएगी पांच, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं स्नेल नियम से साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, स्नेल नियम से साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये होगी समीकरण नंबर छः, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान रख देंगे समीकरण पांच में, समीकरण छः से, समीकरण पांच में समीकरण छः से, समीकरण पांच व समीकरण छः से मान रख देंगे साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, ठीक है। क्या मान है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू टू अपॉन म्यू वन, और वाई टू अपॉन वाई वन, अब वाई टी पी करेंगे, ठीक है। तो म्यू वन वाई वन उधर जाएगा गुणा होकर, तो म्यू वन वाई वन साइन थीटा वन, और साइन थीटा टू उधर चला जाएगा, तो म्यू वन वाई वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू वाई टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो एक संबंध आ जाएगा म्यू वन वाई वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू वाई टू साइन थीटा टू। ये जो संबंध है ये आबे का ज्या प्रतिबंध कहलाता है, इसे समीकरण नंबर दे देते हैं सात, समीकरण नंबर सात। और ये जो समीकरण नंबर सात है ना, वही आबे का ज्या प्रतिबंध कहलाता है। तो यह समीकरण सात, सात आबे का ज्या प्रतिबंध कहलाता है। तो यह अभी का जा प्रतिबंध है, धन्यवाद।